व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बनाना मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 6 केले जो मैंने साफ सुथरे करके छील कर रख लिए हैं, 3 टेबल स्पून शुगर, 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क, 1 गिलास दूध। हसब ज़रूरत इसमें हम बर्फ भी ऐड करेंगे। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में इफ्तारी के लिए बहुत अच्छा ये बनाना मिल्क शेक है। ये बहुत एनर्जी वाला है, बहुत ताकत वाला है, पावरफुल है। आप ज़रूर बनाएं, आप भी पिएं, अपने बच्चों को भी दें, अपने बड़ों को भी दें, बहुत अच्छा बनेगा। मैं केलों की कटिंग कर रही हूँ। आप सहरी में भी बनाकर पी सकते हैं, लेकिन इफ्तार में ये बहुत फ़ायदेमंद है, ज़रूर बनाएं। इतना महंगा भी नहीं बनता, आराम से बन जाता है, जल्द बन जाने वाली ड्रिंक है। अब मैं सारे केले इसी तरह काट लूँगी। बच्चे बहुत खुश होते हैं इसको पीकर। अब मैं इसमें डालूंगी आप चाहें आप इसमें क्रीम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। अब मैं इसमें शुगर डालूंगी। कंडेंस मिल्क डालूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग कम शुगर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून लिया। आप चाहें तो आप 4 भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको ग्राइंड करूंगी, बाकी दूध फिर बाद में ऐड करूंगी। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। व्यूअर्स, हमारे बनाना और मिल्क ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसमें और दूध डालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। हम इसमें आइस ऐड करेंगे। आइस भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ठंडा चाहिए तो आप ज़्यादा आइस डालें। हमारा बनाना शेक तैयार हो गया। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बना है। व्यूअर्स, हमारा बेहतरीन बनाना शेक तैयार है। आप भी ज़रूर बनाएं और इसी तरीके से बनाएं। बहुत अच्छा बनाएं, बाज़ार से भी अच्छा बनाएं और कम लागत भी कम लगी है। आप ज़रूर बनाएं, रमज़ान में बच्चों को दें और ख़ुद भी यूज़ करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ। कमेंट्स में बताएँ कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।